नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों एक बहुत ही शानदार अपडेट आ रही है MP मेट्रो की तरफ से। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें ITI डिप्लोमा, BTEC और BSc के लिए वैकेंसीज बहुत ही शानदार रखी गई है। सभी वैकेंसी आपकी यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए रहने वाली है। किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी यहाँ पे एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप की जरूरत नहीं है। पे स्केल भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पे इन्होंने जारी कर दिया है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, नोटिफिकेशन लंबा है और सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, अच्छी तैयारी के लिए उसको भी आप जरूर डाउनलोड कर ले। हर संडे को आपके लिए वहां पे बिल्कुल फ्री में टेस्ट भी होता है। पेड टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल वगैरह भी हमने ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल करवा रखा है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करती है। दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है 21/7/2023 को लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और एक चीज मैं जैसे कि देख पा रहा हूं सोशल मीडिया पे, काफी सारे लोग इसको मतलब यहां पे जो कॉन्टैक्ट बेसिस यहां पे इन्होंने नाम दे रखा है, बहुत सारे बच्चे इस नाम से भ्रमित है कि ये वैकेंसी परमानेंट होने वाली है या फिर एक दो साल के बाद में यहां से निकाल दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो अपन इसी वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेट्रो के अंदर जब भी वैकेंसी आती है किसी भी मेट्रो में, यहां तक कि दिल्ली मेट्रो तक का नोटिफिकेशन आप देखोगे तो उसमें भी आपको कॉन्टैक्ट बेसिस आपको लिखा मिलेगा, क्योंकि ये प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं होता, ये जॉइंट वेंचर होता है। जैसे कि MP मेट्रो है, भारत सरकार और MP गवर्नमेंट है, उनका जॉइंट वेंचर है और अलग अलग कंपनी की भी इनमें हिस्सेदारी रहती है, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट बेसिस यहां पर लिखा रहेगा। दिल्ली मेट्रो की जॉब है उसमें भी आपको लिखा मिलेगा कॉन्टैक्ट बेसिस, हालांकि कभी भी वो किसी को निकालते नहीं है। तो इस चीज को लेकर के कॉन्टैक्ट बेसिस जो शब्द दे रखा है इसको लेकर के आपको भ्रमित नहीं होना है। अगर आप पास हो जाते हो एग्जाम वगैरह में तो इस नाम के पीछे आपको ये नहीं सोचना है कि जाना नहीं है हमारा, मतलब क्या कि कभी भी निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जॉब आपकी परमानेंटी रहने वाली है। अप्लाई करने की डेट के बारे में बात करें, 31/7/2023 यानी 31 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 31 अगस्त तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। अब देखिए यहां पर वैकेंसी की टेबल इन्होंने बता रखी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर आपको पोस्ट कोड दिखाई देंगे। पहली जो पोस्ट आ रही है सुपरवाइजर ऑपरेशन की आ रही है। ऑपरेशन का मतलब है जिस हिसाब से ट्रेन के ड्राइवर होती है ना, उनके लिए वैकेंसी होती है। टोटल यहाँ पे 26 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हो। MP के अलावा अदर स्टेट के जो भी बच्चे होंगे अंदर जीरो कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे। पे स्केल यहाँ पे बहुत शानदार है, 33,000 आपकी बेसिक पे है तो 45 से लेकर के 50,000 रुपये आपकी टोटल ग्रोस सैलरी बनेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, जिन बच्चों का डिप्लोमा है किसी भी इंजीनियरिंग के ब्रांच में वो बच्चे यहाँ पे आवेदन करेंगे और BSc वाले बच्चे भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड देखोगे तो A1 है। उसके बाद में सुपरवाइजर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक की जो टोटल 7 वैकेंसी रखी गई है, इसमें डिप्लोमा की ब्रांच दे रखी है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल वाले बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में आप देखोगे मेंटेनर सिग्नलिंग है, टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक है, इसके लिए टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसी रखी गई है। मेंटेनर की जितनी भी वैकेंसी IT वाले बच्चों के लिए वैकेंसी रखी गई है। IT NCVT और SCVT दोनों आपकी चलेगी। ट्रेड यहाँ पे दे रखे इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिक्स है, ठीक है, फिटर है, R&SC है, ठीक है, ये सब ट्रेड यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। उसके बाद सुपरवाइजर ट्रैक्शन एंड E&M यहाँ पे है तो उनके लिए टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसी रखी गई है। इसमें भी ITI की यहाँ पे डिप्लोमा की यहाँ पे सेम ब्रांच यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। उसके बाद मेंटेनर ट्रैक्शन एंड E&M के लिए यहाँ पे टोटल 9 वैकेंसी रखी गई है, इसमें ITI की वही सेम ट्रेड यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। और उसके बाद देखिए सुपरवाइजर ट्रैक है, इसमें भी डिप्लोमा सिविल वाले बच्चे इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, 2 वैकेंसी है। मेंटेनर ट्रैक के लिए टोटल 15 वैकेंसी है, जिसमें केवल IT फिटर वाले बच्चे आवेदन करेंगे। IT वाले बच्चों के लिए टोटल जो सैलरी है 30,000 रुपये 32,000 रुपये के आसपास में सैलरी आपकी रहेगी। सुपरवाइजर वर्क्स है तो इनमें सिविल डिप्लोमा वाले बच्चे वो यहाँ पे आवेदन करेंगे। एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि इन्होंने नोटिफिकेशन में आगे दे रखा है, जहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया वहाँ पे भी BTEC वाले बच्चे आवेदन कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन जहाँ पे IT मांगी है वहाँ पे डिप्लोमा और BTEC वाले बच्चे आवेदन नहीं करेंगे। मेंटेनर वर्क्स के लिए 3 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें IT फिटर वाले बच्चे इसके अंदर आवेदन करेंगे। उसके बाद में कुछ यहाँ पे नॉन टेक्निकल वैकेंसी रखी गई है, तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी यहाँ पे रखी गई, यानी कि डिप्लोमा वाली जो पोस्ट है उसमें BTEC वाले भी आवेदन करेंगे, IT वाली पोस्ट के लिए डिप्लोमा वाले और डिग्री वाले यहां पे अलाउड नहीं है, जैसे कि इन्होंने यहां पे मेंशन कर रखा है। दोनों चीजें आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कुछ पोस्टों के बारे में और एजुकेशन
एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। उसके बाद में जो बच्चे अपीयरिंग है जिनका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है, तो उनके लिए इन्होंने लिखा है भी लास्ट डेट जो है 31 अगस्त, तब तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है तभी आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। आपके जो भी सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आपके पास में होने चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से लेकर के 28 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। 1 जुलाई 2023 एज की यहाँ पे कट ऑफ डेट रखी गई है। बाकी यहाँ पे एमपी की एससी एसटी है और ओबीसी, उनको 5-5 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विस मैन वगैरह वुमेन्स हैं उन सबको यहाँ पे एज के अंदर रिलैक्सेशन दिया गया, जो कि आप इस टेबल के अंदर देख सकते हो। उसके बाद में आगे इन्होंने कुछ चीज़ें और देर की, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सुपरवाइजर ऑपरेशंस है जो कि ट्रेन चलाएंगे, उनके लिए साइको भी होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, साइको भी होगा। बाकी जितनी भी वैकेंसी है सब में सीबीटी होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होकर के आपकी फाइनल मेरिट है वो जारी कर दी जाएगी। तो कुछ इस हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। आगे अपन बात कर लेते हैं एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए आवेदन करने के लिए, तो आप एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए आवेदन भी कर सकते हो और एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से आप आवेदन कर सकते हो। आपको अलग अलग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको 10th का सर्टिफिकेट है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो कोई एक सर्विस में ना तो उनको सर्टिफिकेट है, बाकी फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, ये सब डॉक्यूमेंट आपको वहां पे अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम सिटी केवल एमपी में है, जैसे कि भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, उज्जैन है, यहीं पर आपकी एग्जाम सिटी रहने वाली है। अप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें, यहाँ पे जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 590 रुपये अप्लीकेशन फीस है। बाकी जो भी कैंडिडेट है एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जो कि केवल एमपी की है, उनके लिए 295 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद में अपन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सीबीटी आपका एग्जाम होगा जो कि 2 घंटे का एग्जाम आपका रहने वाला है। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होगा, यानी कि 120 प्रश्न 120 नंबर के होंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहां पे होने वाली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको पेपर मिलने वाला है। क्वालिफाई मार्क्स आप देखोगे तो अंडर जीरो कैटेगरी के लिए 40% है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 30% है, ठीक है। एसटी के लिए हालांकि 25% है वो आपके यहाँ पे रखे गए हैं। उसके बाद देखिए जो साइको है उसके लिए भी अलग से क्राइटेरिया दे रखे, तो ये चीज़ आप देख ना। अप्लाई करने के लिए इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उस पर जाकर के आपको आवेदन करना है। 31 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले। एप्लीकेशन फीस के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो बाकी और देखिए यहां पे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। कॉन्टैक्ट बेसिस आपके यहां पे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको निकाल देंगे और आपका करियर खत्म हो जाएगा। डेली मेट्रो की तरह आप देखते हो, निकालते किसी को नहीं है। बाकी कोई भी कोर्ट केस वगैरह नहीं करें, बाय द वे इनको निकालना पड़े तो उस लिहाज से ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। बाकी आप बेफिक्र होकर के इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। अब देखिए बहुत सारे बच्चे सिलेबस के बारे में पूछे, 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन्होंने नोटिफिकेशन में अभी तक सिलेबस के बारे में नहीं बताया, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे सारी चीजें वो डीएमआरसी के अकॉर्डिंग ही होती है। तो डीएमआरसी में 120 जो पर्सन पूछे जाते हैं उनमें 75% होते हैं वो टेक्निकल के होते हैं, यानी कि आपकी ट्रेड और डिसिप्लिन से संबंधित रहेंगे। उसके बाद 45 जो क्वेश्चंस है वो आपके नॉन टेक्निकल के होने वाले हैं। तो कुछ इस हिसाब से आपका पेपर का पैटर्न हो सकता है। हालांकि एक चीज ध्यान रखना, टेक्निकल तो रहेगा ही रहेगा, तो इसकी तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। नॉन टेक में क्या क्या रहेगा उसके लिए जब भी ये सिलेबस जारी करेंगे तब वो चीजें देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। काफी सारी वैकेंसी आ रही है, तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी होगी। चुनावों का साल है तो अभी अगर आप वंचित रह गए तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये नोटिफिकेशन भी आपको वहां पे मिल जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।